ऑल राइट, सलाम वालेकुम। हम इसको स्टार्ट करते हैं अपना। ये ऐसे बैच 2 है और फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे के प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं, आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है सारी चीजें ना, तो ये हम डिस्कस करेंगे। और लेट्स सी, सबसे पहले ये जो मिथ्स हैं ऐसे से रिलेटेड ना, मिथ्स बहुत सारी है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब उन मिथ को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है कि हम इस सब्जेक्ट से डरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नंबर 1, वोकैबुलरी बहुत डिफिकल्ट यूज होगी इसमें, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग वगैरह अगर कुछ एरर हो जाए तो यार इसको निगलेक्ट कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा इसको। नंबर 2, लेंथ 2500 से 3000 ही होगी तो आपका जो ऐसे है वो पास होगा, ठीक है। थर्ड कि जी, सर्टेन टॉपिक्स अटेम्प्ट करने हैं, सर्टेन टॉपिक अटेम्प्ट नहीं करने, ठीक हो गया। इसी तरीके से कि बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैबर, फनल अप्रोच हो, बहुत ज्यादा रेफरेंसेस डालने होंगे आपने इसमें, और इंग्लिश जो हो वो बहुत एडवांस लेवल की हो। हैं तो खैर और भी बातें, लेकिन ये सब आपने भी सुनी होंगी, ये सब हमने भी सुनी है थ्रू आउट। और डिफरेंट टीचर्स का पढ़ाने का अंदाज डिफरेंट होता है, राइट। अच्छा देखें, अब इसका मैं आपको एक एक करके डिकंस्ट्रक्ट करता हूं और फिर करेंगे कैसे हम इसको। नंबर 1, वोकैबुलरी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्या है कि अपनी बात को सादे अल्फाज में आप एग्जामिनर तक पहुंचा रहे हैं, तुम जितने सादा अल्फाज इस्तेमाल करोगे उसके लिए उतना बेहतर है, ठीक है। तो इसका तो मतलब ही फौत हो गया अगर आप मुश्किल में लिख रहे। तो मिसाल के तौर पर आपने लिखना है जी कि पाकिस्तान इज करेंटली, पाकिस्तान इज करेंटली फेसिंग सेवरल इशूज। ये जुमला अगर आपने लिखना है तो ये मैंने बहुत आसान उसके अंदर लिखा है, आसान लैंग्वेज के अंदर। आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं जी प्लेथोरा ऑफ इश्यूज, ये भी वही बात है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि जी प्लेथोरा ऑफ इश्यूज ही आएगा, आप इसको आसान अल्फाज में लिखें और अपने अपने मैसेज को ईजी वे में आपने कन्वे करना है एग्जामिनर को। तो पहली तो ये चीज हो गई। नंबर 2, कि लेंथ जो है, देखो अब जो ऐसे आ रहे हैं ना वो वहीं बैठ के आपने प्रिपेयर करना है। तो 9 बजे आपका पेपर शुरू होता है, राइट। 9 से 9:45 या 9:40 तक तो स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रही होती कि मैंने करना क्या है, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 3 दफा 4 दफा जितनी दफा भी पेपर देने गए हैं इसमें, तो आपके पास जब भी टॉपिक आता है ना तो आप शुरू के 40-45 मिनट तो आप ब्लैंक होते हो। दो रीजन की वजह से, या तो आपको एक से ज्यादा टॉपिक आ रहे हो, दूसरा ये कि आपको एक भी टॉपिक ना आ रहा हो। इन दोनों सिनेरियोस के अंदर आपको 40 से 45 मिनट कुछ लिखना ही नहीं है। आप अब रिमेनिंग जो पीछे 2.25 घंटा बचता है आपके पास, अब ये वाला जो 2.25 घंटा है इसके अंदर आपने आउटलाइन भी लिखनी है, आपने पूरा ऐसे प्रिपेयर करना है। ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट मोर देन 2000 वर्ड्स, तो आप इसको 1500 to 1800 के गैप में भी अगर कर लें तो क्लियर हो जाता है पेपर। ये बात समझ में आई? अगर एक से ज्यादा टॉपिक आ रहे हो तो हम ये करते हैं कि लास्ट पेज पे जाएं, 25th पेज पे 1, 2 और 3, मैक्सिमम 3 टॉपिक होते हैं, ठीक है। अब उन 3 की ना आप आउटलाइन बना लें यहाँ पे, ठीक है, तीनों की, और तीनों से रिलेटेड जो डेटा है जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे किसकी ज्यादा कोटेशन याद है, मुझे किसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं, ठीक है, किसके बारे में जी मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ। एक रिचनेस लेवल होता है ना आपके कंटेंट का, ठीक है। जैसे अभी मैं अगर आपको कहूँ कि मैं आपको 2 टॉपिक देता हूँ मिसाल के तौर पे, एक नंबर 1 हम टॉपिक उठाते हैं, एक टॉपिक है इज वर्ल्ड पीस पॉसिबल, एक ये टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है एजुकेशन वोज ऑफ पाकिस्तान,
आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे इन दोनों में से? हाँ फर्स्ट वन या सेकंड वन? इज वर्ल्ड पीस पॉसिबल? अब मुझे दोनों आते हैं, ठीक है? जब अब आप इस तरह से करोगे ना, बैठोगे इसको करने के लिए, तो आपको यहाँ पे, आप जब इसको बनाओगे अपने पास कि आउटलाइन वन एंड आउटलाइन टू, तो आपको अगर इस वर्ल्ड पीस पॉसिबल, आप इस पे आपने आउटलाइन बनाई, फिर आपने एजुकेशन वाले पे बनाई, फिर आपने दोनों को खुद से देखना है कि यार किसको मैं बेहतर अंदाज में कर सकता हूँ, और ये सारा फैसला आपने करना है 40 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है? तो ये आपने मामला करना है। अब जो ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं ना, उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स यूजुअली शुरू से ना इशू बेस की तरफ जाता है, ठीक है? शुरू से उसका एक जहन होता है कि यार बस टीचर ने समझाया है कि इशू बेस करना है, तो वो जो है बाकी टॉपिक्स तो निगलेक्ट करता जाता है। आपको भी पता है, एक उसके अंदर कोई हदीस आ जाएगी, कोई कुरान की आयत आ जाएगी, कोई बॉयज विल बी बॉयज टाइप की चीज आ जाएगी उसमें, तो चॉइसेस ना अब कम मिलती हैं। जी, इसमें सिर्फ थिंकिंग में टाइम लगेगा आपको। तो बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, जिसका ज्यादा डेटा होगा आप उसके हिसाब से उसको लेकर जाएंगे, ठीक है? इसके बाद एक मिथ पाई जाती है कि कुछ चीजें अटेम्प्ट करनी है, कुछ नहीं करनी। जैसे कि भाई आप जो है कोटेशन अटेम्प्ट ना करें, आप कोई ऑर्गुमेंटेटिव एसे की तरफ ना जाएं जिसमें ऑर्गुमेंट देके अपनी बात को प्रूव करना है। वो सिंपली बोलेंगे आप ऐसा ऐसे करें, जैसे पोलराइज पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, मतलब जिसे हम ये कहते हैं ना कि यही वर्ड चले आ रहे हैं, साला साल से यही चले आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई आप ये वाले करें, तो ये भी गलत अप्रोच है। आप बॉयज विल बी बॉयज भी अटेम्प्ट करके पास हो सकते हैं, और आप एजुकेशन इशूज इन पाकिस्तान करके भी फेल हो सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट द टॉपिक, इट इज अबाउट द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द टॉपिक, आपको समझ कितना अच्छा आया है वो, और इसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा आपको टॉपिक समझाना। नेक्स्ट अप इज अटेंशन ग्रैबर। अब मैंने इतने सारे बच्चों की कॉपीज को इवैल्यूएट किया भी, और उसके अंदर से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि परेशान होते हैं ऐसे की ओपनिंग को लेकर, ठीक है? वो कहते हैं कि सर ऐसे को ओपन करना है और इसको कैसे किया जाएगा, तो कुछ टीचर हजरात ने बताया कि यार पहले यहाँ पे ग्रैबर आएगा। अब बेटा, इस ग्रैबर के चक्कर में आपने एसेंस ऑफ द एसे आप खो चुके हो, बिकॉज ऐसे क्या है, आपकी बात एक ले मैन, एक मजदूर, एक ऐसा बंदा समझ सके जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, आप जो समझाना चाह रहे हो अपना थॉट वो समझ ले। ग्रैबर कैन बी अ कोटेशन, कैन बी अ स्टोरी, कैन बी एनीथिंग, बट ग्रैबर उस टाइम जहन में नहीं आएगा क्योंकि टॉपिक आप वहीं बैठ के बना रहे हो। इफ 2023 जैसे आपके पास टॉपिक्स आ जाएंगे तो कुछ भी काम नहीं आएगा आपका, प्री लर्न जो भी आप करके आए होंगे। तो कोई ग्रैबर श्रैबर कुछ नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। मेरा तो यही तरीका, मैं ग्रैबर नहीं डालता अपने ऐसे के अंदर। फिफ्थ वन, कुछ अप्रोचेस होती है इंट्रोडक्शन लिखने की। एक होती है फनल अप्रोच, एक होती है जी रिवर्स फनल अप्रोच। हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना, ठीक है? सिक्स्थ वन इज रेफरेंस। कहते हैं जितने ज्यादा रेफरेंस होंगे उतना ज्यादा आपका पेपर अच्छा होगा, ज्यादा किताबों के नाम। ऐसा नहीं है, मैंने 2021 के अंदर जो ऐसे लिखा और जो पास किया, मैंने एक भी बुक का नहीं लिखा उसमें, राइट? क्योंकि मेरा टॉपिक भी ऐसा था कि मुझे उसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, मुझे अपनी बातों से अपने अल्फाज से उस चीज को प्रूव करना था जो मैं लेके चल रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एंड में प्रूव कर दी थी। तो रेफरेंस वगैरह भी नहीं चाहिए होता। आखिरी बात की ग्रामर जो होती है, नहीं ऑर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास टॉपिक था, जो मेरा जो क्लियर था वो था ह्यूमन डेवलपमेंट लीड द सोसाइटीज बैकवर्ड, ठीक है? ये टॉपिक था, मैंने इसको किया निगेट, सही है? और मैंने इसका बिल्कुल उल्टा स्टांस दिया था पेपर के अंदर। अब जब मैंने इसके अंदर लिखा कि टेक्नोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीजेस द लिटरेसी रेट, अब मुझे खैर उस टाइम तो नहीं इतना जहन में था कि कितना लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ, लेकिन मैंने इस पॉइंट को किसी फैक्ट और फिगर से नहीं किया, यहां से सिर्फ इसके अंदर मैंने मिसाल ये दी कि जो रिमोट एरियाज के लोग होते हैं, ठीक
जो कि नॉर्मली एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, उनके पास किसका एक्सेस आ गया बेटा? इंटरनेट का। ठीक है, उनके पास इंटरनेट का एक्सेस आता है। इंटरनेट के एक्सेस से वो जो है थोड़े बहुत 2-4% लोग भी अगर तालीम हासिल कर लेते हैं तो वो लोग आगे जाके क्या करते हैं? फिर नौकरी करते हैं। जब वो नौकरी करते हैं तो उनका फैमिली स्टेटस क्या होता है? हाई होता है। फैमिली स्टेटस हाई होता है तो इससे माशरे के ऊपर इम्पेक्ट आते हैं, और इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। इस तरह से आप एक पैराग्राफ बनाते हो, ठीक है। और ज्यादा कुछ लिखना तो आप ये लिख सकते हो कि भाई एज पर अ रिपोर्ट के भाई 50% लोग जो है पाकिस्तान के अंदर उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। ऐसी कोई आप मिसाल दे दें तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी बनेगा, आर्ग्यूमेंट भी बनेगा। इन शॉर्ट, रेफरेंसेज आर नॉट रिक्वायर्ड, तुम्हारी बात में दम होना चाहिए। ये बात समझ में आई है? एक और चीज इसके अंदर कि अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं ना आपसे, सिर्फ सिर्फ इकोनॉमी की बात अगर मैं करता हूं कि सिर्फ इकोनॉमी से क्या इंपैक्ट्स पड़ सकते हैं? एग्जैक्टली तनवीर, आपको मैं एक थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है पहले हम ये समझते हैं और मैं आपको बताऊं। वैसे तो मैं कह रहा कंप्लीट 8 लेक्चर्स के अंदर पूरा करवाऊंगा, लेकिन अभी जस्ट एक एग्जाम्पल करते हैं इसकी। मिसाल के तौर पे मुस्लिम्स आर वे बिहाइंड क्रिश्चियंस या वेस्टर्न कंट्रीज इन एजुकेशन। अच्छा मुझे बताइए, जो मैंने बात लिखी आप इससे एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? आप एग्री कर दो, ठीक है। अब बच्चे ये ना हमारे पास एक बात आ गई है, अब हमें इसको करना है प्रूव। सोनिया, इसको हमने करना है प्रूव। इसको प्रूव करने के लिए अब हम पॉइंट्स देंगे। जरा सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं? मुस्लिम कंट्री उठा लें कोई भी, चलें जी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, और इसके साथ आप कोई ना अफ्रीकन कोई कंट्री उठा लो मुस्लिम, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको समझ में आ रही है बात। आप अगर इसको देखें तो यहाँ पे हालत कैसी है लोगों की? पुअर है। इस टाइम पे इस्लामिक जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें एजुकेशन के नाम पे तो कोई भी, कोई एक आधा कोई होगा जो अच्छा चल रहा होगा, बाकी तो सारे पुअर कंट्रीज है ना। फिर नंबर टू, आपको पता होना चाहिए कि जी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो ऐसा क्या कर रही हैं। तो आपको पता चलेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट? वो इन्वेस्ट करी। अब आपको पता है जापान के अंदर, भूटान के अंदर, इवन इन कंट्रीज के अंदर एक टीचर की वैल्यू ज्यादा है। उधर सिविल सर्वेंट की इतनी वैल्यू नहीं है, उधर एक जेनिटर जो साफ सफाई करता है स्वीपर, उसको लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं, एहतराम करते हैं, हमारे मुल्कों में नहीं करते, राइट? इसी तरह से आप इसमें ये कह सकते हैं कि मुस्लिम इसलिए भी पीछे क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है ना वो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रही है, राइट? कॉन्फ्लिक्ट का शिकार कैसे रही है कि 1500 BC में, 1500 BC नहीं, 1500 जब आपके पास चल रहा था मामला, तो उसमें आपके पास आया था प्रिंटिंग प्रेस। ये पढ़ा है आप लोगों ने, जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ था, इसके बारे में है नॉलेज? हुआ क्या था कि जब प्रिंटिंग प्रेस आया ना तो इन्होंने, अंग्रेज जो थे ना जितने भी, इन्होंने बुक्स प्रिंट करना शुरू की, ठीक है, बुक्स प्रिंट शुरू की इन्होंने। इन्होंने फिर मैगजीन्स प्रिंट किए और अपनी बातों को बाय प्रिंट अपने लोगों तक पहुंचाया, अपनी बात समझाई उन्हें, क्लियर? और उस टाइम जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो मुसलमान उस टाइम क्या कर रहे थे? मुसलमान उस टाइम ये बहस कर रहे थे कि क्या ये रिलीजन में गुंजाइश है इसकी या नहीं है। हमने तकरीबन 1900s में जाके हमने अपना सिलसिला शुरू किया। हमने 1900 के अंत के अंदर जाके हमने कहा कि तकरीबन 400-500 साल हम इसी वजह से उनसे पीछे हैं कि हम उस टाइम तक तो ये बहस कर रहे थे कि क्या क्या ये चीज जायज है, नहीं है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए।
और अंग्रेज हमसे फिर आगे निकल गए। जब वो लोग 20 लाख किताबें, ये फैक्ट्स जो है ना ये सारे मेरे पास लिखे हुए, मैं भेज भी दूंगा, 20 लाख किताबें जो है वो छप चुकी, मैगजीन हो गए, लोगों ने पढ़ा, लोग उनके अवेयर हो गए, तब हमने बोला हाँ यार चलो अब इसको शुरू करते हैं। बात समझ में आई? इन ऑर्डर टू प्रूव माई थीसिस, मुझे, मैंने किसी किताब का रेफरेंस नहीं दिया यहाँ पे ना, मैं दूंगा इसमें, मैं क्या करूंगा, मैं एक, आप एक पैराग्राफ का ना पहले वो देखो कि स्ट्रक्चर क्या है, सपोर्टिंग सेंटेंस जरूरी नहीं, यस 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 यस, कुछ भी आप बात प्रूफ करें अपनी पास। जैसे टेक्नोलॉजी आई है तो टेक्नोलॉजी आते ही बैंक फ्रॉड्स इंक्रीज हो गए, राइट? आप फैक्ट एंड फिगर नहीं डालें, आप अपना देखो, आप सबके मोबाइल के अंदर बैंक ऐप्स होंगी, आप सबके फोन के अंदर इजी पैसा भी होगा, डेस्क कैश भी होगा, हर चीज होगी, और आपको थोड़ा थोड़ा डर भी लगा रहता है, ऐसा ही है। तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि जब से टेक्नोलॉजी आई है तो फ्रॉड बढ़ गया है। फ्रॉड कैसे बढ़ा है? क्योंकि अनअवेयर हैं लोग, हमारे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं, हम गलती से पैसा भी ट्रांजेक्ट कर देते हैं उसके अंदर, लोगों ने, फिर साइबर सिक्योरिटी का एक मामला है। आप वो लिखें जो आपके इर्द गिर्द चल रहा है, लेकिन उस बात को प्रूफ करते चलो बस, और पहले बता दो ऐसा नहीं था। आज से पहले क्या होता, जब लाइन में लग के चेक जमा करवाते थे, एटीएम वेटीएम का कोई दौर नहीं था, बैंक में जाते थे, क्लियरेंस होती थी, कैश मिलता था, हार्ड कैश में सारी डीलिंग थी। तो जब से टेक्नोलॉजी आई है तो एक डर भी तो पैदा हो गया हमारे अंदर, यू डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट एनी। हाँ बहुत हुआ तो आप ये सिर्फ लिख सकते हो कि जी इंटरनेट यूजर जो हैं वो कितने हैं और उसमें से लिटरेट कितने, अगर है डेटा तो ये लिख दो, वरना इसकी भी जरूरत नहीं है, अपनी बात को से प्रूफ करना। अब क्लियर हुआ एक मामला जो आपने मुझसे सवाल पूछा था? नो, ऐसे कैन नॉट बी टू मच टेक्निकल, मैंने शुरू में यही तो बताया, मैं आपको शुरू में यही तो बता रहा हूँ। देखो कि आपको एक टॉपिक मिला है, आपका जो टीचर है चेक करने वाला वो इंग्लिश लिटरेचर के बैकग्राउंड का है, राइट? वो आप कि ऐसे के अंदर अगर इकोनॉमी पे है तो वो ब्रेक इवन की बात, चलो एक बार उसने पढ़ ली, सेकंडली आपने और कोई मुश्किल टर्म वहां पे इस्तेमाल कर दी, क्रेडिट डेबिट ये सारी चीजें, या ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट की आप बात करो, आप टेक्निकल क्यों बना रहे हो उसको? इसका तो मतलब ही है कि एक नॉर्मल बंदे को बात समझ में आ जाए। दिस इज योर ऐसे मेच्योरिटी जो फेल होती है। बच्चा अभी आप स्टैट देखो, ये 2023 वाले, मेरा ख्याल से 10,000 प्लस कोई बच्चा अपेयर हुआ ऑल 12 पेपर्स में, उसमें से जो पास हुए वो 300 कुछ थे, और ऐसे में पास होने वालों की तादाद कितनी होगी? 400। अब आप सोचें यार, इतना बच्चा है, हर कोई नोवा से पढ़ रहा है, वर्ल्ड टाइम से पढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में पासिंग रेशो इतना ही है, और साला साल से। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो मैथ्स इतनी सारी मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया, हम वो उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और दूसरा ये कि हम ऐसे को सिंपल करने के बजाय उसको एक रिपोर्ट बना देते हैं, ठीक है? मैं फॉर मिसाले दे देता हूँ ताकि आप लोगों का एक एक जहन क्लियर हो जाए। करप्शन के बारे में अगर मुझे लिखना है, ठीक है, मैं करप्शन के अंदर ये लिखूंगा कि हमारे जितने भी लोग हैं वो कर्ज करते हैं किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है, लेकिन जब हम अपने गली मोहल्ले में निकलते हैं तो आपको इंजेक्टेड मीट मिलता है, ठीक है? इंजेक्टेड मीट क्या होता है कि गोश्त का वजन बढ़ाने के लिए उसके अंदर पानी का स्प्रे कर दिया जाता है, इंजेक्शन, ये आप लोगों को पता होगा चीजें। आपके पास जो दवाइयां है ना, मेडिसिन, वो एक्सपायर्ड है, उसके ऊपर दोबारा से लगा दिया जाता है किसका ठप्पा, कि ये जी बेस्ट बिफोर वाली ने, राइट? यानी उसको अगेन यूजेबल बना दिया जाता है। फॉर दीज थिंग मुझे किसी किताब, किसी रिपोर्ट, किसी की कोटेशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने इर्द गिर्द की जगह को देखना है, अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं और उसको सपोर्ट करना है। तो आपको एक पैराग्राफ के अंदर एक अदद थीसिस स्टेटमेंट देनी होती है, ये तो खैर अलहदा से मेरा पूरा एक लेक्चर है, एक थीसिस स्टेटमेंट होती है, और उसके बाद कम से कम दो सपोर्टिंग होंगे इसके, राइट? और फिर एक कॉन्क्लूजन, और 80 से 90 वर्ड के अंदर आपका एक पैराग्राफ पूरा हो जाता है। जी बताइएगा, समझ में आया? क्लियर हुआ कुछ कॉन्सेप्ट?
अपना ओपिनियन ऑन व्हाट बेसिस, ये मेरा अपना ओपिनियन तो है कि हम गवर्नमेंट को गलत कर्ज कर रहे हैं, गलती तो हमारी है, तो मेरा ओपिनियन है ना। आपका ऐसे आपका ओपिनियन है, एक फैक्ट दे दो आप किसी मुल्क से कंपेयर करा दो। तनवीर है क्या सीन कि तुमने जो बात बोली है ना, तुम्हें उसको प्रूफ करना है। मेरे जो टीचर थे जो मुझे पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे जो समझाई ऐसे की बात जो क्लिक की मेरे जहन में, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि ऐसे है क्या, ऐसे इज लाइक एग्जामिनर जज है, आप लॉयर हैं, और जो आपका टॉपिक है ना वो आपका केस है। नाउ यू हैव टू प्रूव, इस बंदे को तुमने प्रूफ करवाना है। अब तुम प्रूफ कैसे करा सकते हो? तुम बोलो कि सर देखें, एनाटोल लेविन की किताब है पाकिस्तान अ हार्ट कंट्री, ये सबने नाम सुना होगा इसका, राइट? पाकिस्तान अ हार्ट कंट्री, उसके अंदर बोलता है वो कि पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आ नहीं सकती जैसे ईरान में आई थी। उसने ये बात की, उसने क्यों बोला? उसने कहा कि हमारी सोसाइटी फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है, राइट? तो हम ये बात लिख सकते हैं कि भाई हमारी सोसाइटी में आप देखें ना फ्रेगमेंट्स कितने हैं। कराची में देखें तो कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं, कोई सिंधी, कोई पंजाबी, कोई बलोची है, कोई सराइकी, मकरानी, सारे तो रह रहे हैं ना यहाँ पे, लेकिन ये फ्रेगमेंटेड है हमारे लोग, इसीलिए हमारे पास रेवोल्यूशन नहीं आ सकता, ठीक है? नंबर टू, आप बता सकते हैं कि जी एक जगह है नोगेल्स, ये है बेसिकली यूएसए मेक्सिको के बॉर्डर पे शहर है, तो एक नोगेल्स यूएसए में मौजूद है, एक नोगेल्स मेक्सिको में मौजूद है, लेकिन यहाँ का यूएसए का लाइफ स्टाइल एंड मेक्सिको का लाइफ स्टाइल है इंटायरली डिफरेंट। वाई? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। एंड ये बात किसने की है? ये बात आई है वाई नेशंस फेल में, इस पे मेरी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है यूट्यूब पे, वाई नेशंस फेल में। तो बेटा अगर मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, मेरा कॉन्टेंट रिच है, तो मैं इधर से प्रूफ करूंगा अपनी बात को। और अगर मेरा कंटेंट या मेरे पास ऐसा टॉपिक है जिसमें शायद मैं ये चीज लैक कर रहा हूं, तो मैं फिर जाऊंगा किसकी तरफ, रिपोर्ट्स की तरफ, कि भाई यूएन की रिपोर्ट क्या कह रही है इस पे, WHO क्या कहता है। और अगर मुझे ये भी नहीं याद, तो मैं शायद किसी की कोटेशन के ऊपर बात करूंगा, ठीक है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और फिर मैं इसको लेके चला जाऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर भी लाखों केसेस जो हैं, मोर देन मिलियन आज तक जो है तमाम कोर्ट्स के अंदर मौजूद है, हमारे पास कोर्ट्स की तादाद सही नहीं है, हमारे जजेस बाइज हैं, और ये वो बात समझ में आ रही है कि मैं कैसे कैसे लेकर चल रहा हूँ अपनी चीज को। मतलब तुम्हें हर जोर लगाना है अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। बोले बच्चों, क्लियर हो गए यहाँ तक? इट कैन बी एग्जाम्पल्स, कोटेशन, बस पॉइंट प्रूफ करना है, ये बात है। इंट्रो का लिखने का तरीका अलग है, कॉन्क्लूजन का लिखने का तरीका अलग है, वो अलग अलग क्लास में सिखाऊंगा। पैराग्राफ को लिखने का एक ही तरीका है, चाहे कोई भी ऐसे उठाते हो, और उसके अंदर अपनी बात को प्रूफ करना है, सिंपल इज दैट। और ये वाली जो सारी चीजें कि सर जिस तरह से मैंने बैठे बैठे बता दिया कि भाई इस किताब में ये लिखा हुआ है, इस किताब में ये, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? मैं जब पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको बताता रहूंगा इस किताब में ये लाइन है, या मैं आपको सॉल्व एसेज की पिक्चर भेजूंगा, सही है, टू सेव योर टाइम। तो एक तो ये चीज हो गई, दूसरा ये कि मेरी जितनी रीडिंग्स हैं, अब उसके अंदर से जैसे मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रम्प की कोटेशन है कोई, सही है? अब मैं आपको बताऊंगा डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बात बोली है ना, तो आप इसको किधर किधर कैसे कैसे मोल्ड करके ले जा सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से एक है वार्डेंस फाइव रिंग थ्योरी, ठीक है? वार्डेंस की फाइव रिंग थ्योरी। अब वो फाइव रिंग थ्योरी के अंदर वो बताता है कि एक मुल्क, एक स्टेट जो है वो पांच चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है? अब वो बहुत सारी है उसके अंदर, गवर्नमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी तरीके से आपके स्टेट इदारे हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉपुलेशन है, ठीक हो गया? अब पता है वो क्या बोलता है बात, वो ये कहता है वार्डन कि आप सिर्फ पॉपुलेशन को डिस्टर्ब कीजिए। हैरत की बात, आप पूछो सर पॉपुलेशन कैसे डिस्टर्ब होगी? पॉपुलेशन डिस्टर्ब होती है बाय मीडिया,
एंड सर हमारा मीडिया हमारे मुल्क का है, वो कैसे डिस्टर्ब करेगा? मीडिया डिस्टर्ब बाय फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर भी कहा जाता है। इंडिया को अगर हमें तबाह करना है तो वो क्या करेगा? वो झूठ प्रोपोगेंडा पेनिट्रेट कराएगा, उसने चीजें पेनिट्रेट करा दी। तो हमने क्या किया भाई, देखो मीडिया आजकल सबके पास है, नाउ इट कैन बी न्यूज़पेपर, इट इज सोशल मीडिया, इट इज योर प्रिंट मीडिया, इट इज योर रेडियो, इन शॉर्ट हर किसी शख्स के पास मोबाइल आपको आज नजर आएगा, चाहे वो आपका वॉचमैन है या चाहे वो आपका बॉस है। ठीक है, तो इसका मतलब एक 18 साल से लेके 15 साल का बच्चा, इवन 12 साल के बच्चे को पता है हु इज इमरान खान, हु इज नवाज शरीफ। हालांकि उसे नहीं पता होना चाहिए, बिकॉज उसका वो मैटर ही नहीं है। तो अगर एक 12 साल से लेकर 52 साल के इंसान के पास सेलफोन मौजूद है, तो क्या न्यूज उनके पास पहुंच रही है, येस और नो? न्यूज पहुंच रही है ना उनके पास, सबके पास न्यूज पहुंच रही है ना। हो क्या रहा है, ये न्यूज सुनने के बाद तीन पर्सपेक्टिव होते हैं बेटा हर चीज के, वन टू और थ्री। फर्स्ट, व्हाट इज राइट? अभी आपने देखा जब ये इमरान खान वाला सिलसिला चल रहा था तो मेजोरिटी लोग क्या देखते थे, ARY और बोल, ठीक है, जो इमरान खान के अगेंस्ट था वो क्या देखते थे, जियो। ये तो हमें पता है ना सारी बात। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि ARY ने 360 एक सॉरी 180 का उसे एक टर्न मारा और वो इस पट्टी में चला गया, तो लोगों ने इसको देखना छोड़ दिया। लोग जब न्यूज देखते हैं तो वो वेरीफाई करते हैं कि भाई ये बात ठीक है या नहीं है। तो एक तो हो गया कि भाई न्यूज के बाद व्हाट इज राइट, नंबर टू माय पर्सपेक्टिव, मैं उसको कैसे लेता हूं, और थर्ड वन इज योर पर्सपेक्टिव। तो इन शॉर्ट लोगों को डिस्टर्ब करना है तो तुम क्या करो, उनमें झूठ फैला दो। सही है बेटा, जब लोगों में झूठ बढ़ जाएगा, जब आपकी पॉपुलेशन में झूठ आ जाएगा, तो पॉपुलेशन क्या करेगी, रोड्स पे आ जाएगी, रोड्स ब्लॉक करेगी। रोड्स ब्लॉक करने से क्या होगा, तुम्हारी इकोनॉमी सफर करेगी, तुम्हारे लोग सफर करेंगे, जब तुम्हारे लोग सफर करेंगे तो तुम्हारा इंस्टीट्यूशन सफर करेंगे, और जब तुम्हारा इंस्टीट्यूशन सफर करेगा तो फिर तुम्हारी मिलिट्री आएगी मैदान में, और जब मिलिट्री आएगी तो फिर वो गवर्नमेंट को रिमूव करेगी और वो फिर खुद आ जाएगी। Did you get the cycle? समझ में आया वार्डन क्या बात कह रहा था? तो दिस इज वार्डन्स फाइव रिंग थ्योरी। आपने क्या करना, आपने कहाँ पढ़ी इससे पहले, ये किसी किताब में आपने पढ़ी कुछ, आपने मुझसे सुना ना। अब बहुत ज्यादा आपने क्या करना होगा, तो आपसे गूगल पे जाएं, वार्डन फाइव रिंग थ्योरी लिखें और इमेजेस पे जाके क्लिक कर दें, तो तुम्हें ना ये सर्कल बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें ये पांच सर्कल बने हुए आ जाएंगे, और तुम अब इस आर्ग्यूमेंट को अपने हिसाब से लेकर चलाओ। मैं इसको एजुकेशन से भी लिंक कर सकता हूँ, कैसे? मेरा माशरा, मेरे लोग, अपने मुल्क के अगर एजुकेटेड होते तो मीडिया के ऊपर आसानी से बिलीव नहीं करते, ऐसा ही है। अगर मेरे स्टेट इंस्टीट्यूशंस करप्शन ना करते, इतने स्ट्रेंथन होते, तो आज जस्टिस सबको मिल रहा होता, ये स्नैचिंग नहीं हो रही होती कराची के अंदर। ये क्यों हो रही है, लोग डिप्राइव्ड हैं, राइट्स ही नहीं है उनके पास, राइट्स ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि आर्टिकल 25A है क्या। गिरेबान पकड़े जाके अपनी गवर्नमेंट का, यार व्हाट इज आर्टिकल 25A? आप हमें दे रहे, आप तो हमें दे ही नहीं रहे कि 5 से लेके 16 साल तक के बच्चे को आपने फ्री एजुकेशन देनी थी। आपने 5 से 16 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन देनी थी, आप वो नहीं दे रहे, आपने तालीम महंगी की हुई है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फैक्ट्स फिगर देना, मैं आपको आर्टिकल्स बताऊंगा कौन सा किधर लगेगा। तो ये ऐसे होता है आपके पास, ठीक है? तो ऐसे क्या है, एक मैकेनिज्म है और अपनी बात को प्रूव करने का नाम है, और इट कैन बी इन एनी फॉर्म। ठीक है, शुड बी प्रिपेयर ऑल टाइप्स ऑफ, ऐसे लाइक ना 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 ना, ऐसे कोई है ही नहीं ना ऐसी चीज, तो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आर्ग्यूमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक ही टॉपिक से सारी चीजें सिखाऊंगा। मैं इस चीज को नहीं मानता बेटा कि इसमें आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, ये होता है, वो होता है। अगर ऐसी कोई चीज होती ना, तो शायद मैं ऐसे क्वालिफायर्स में मेरा नाम नहीं होता, राइट? क्योंकि आज से पहले मैं भी वही प्रैक्टिस करके जाता था। कौन से? जेंडर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर, टेररिज्म, एजुकेशन, विमेन, इस तरह की कोई चीज नहीं। आपके पास एक टॉपिक आएगा,
एक सर्टेन सेट में आपको रूल सिखाऊंगा ऐसे का, उस सारे टॉपिक्स के ऊपर चलेगा, ठीक है। हाँ, अगर कोटेशन है तो कोटेशन के अंदर एक चीज आती है कि आपने इसको डीकंस्ट्रक्ट कैसे करना होता है, ठीक है। कोटेशन डीकंस्ट्रक्ट होती है पहले, कि उसका मतलब क्या है। जैसे कि कोटेशन में आपके पास आ जाता है एक, अभी मेरे जहन में कोई कोटेशन, हाँ, इफ यू स्वेट इन पीस, ये आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, इफ यू स्वेट इन पीस, और क्या था इसका, यू ब्लीड लेस इन वॉर, ऐसा कुछ था, याद है, यू ब्लीड लेस इन वॉर, या ये पहले था या वो बाद में था, लेकिन बहरहाल ऐसी एक कोटेशन है, मेरे नजरों से गुजरी है, ये टॉपिक आ सकता है पेपर में, ठीक है। इफ यू स्वेट इन पीस यू ब्लीड लेस इन वॉर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने अमन वाले टाइम में अपनी एफर्ट्स करें तो होगा क्या कि वॉर में आप जो है सुरखुरू रहेंगे, आप हारेंगे नहीं, या डैमेज होगा तो थोड़ा होगा। एक पॉइंट आएगा कि आपने इसको क्या करना होगा, सिर्फ डी कर, आपने मतलब बताना होगा कि भाई इसका मतलब क्या है, और अगर तुम इसके हामी हो, यस, तो तुमने अब इसको प्रूफ करना है। जी कैसे कैसे प्रूफ करेंगे हम इन इस पॉइंट को, इफ यू स्वेट इन पीस, ओके। मैं ये मिसाल ले सकता हूँ कि चाइना के अंदर सब कुछ है, दे आर अ डेवलपिंग नेशन, नंबर 2 पे आते हैं, अब ये शायद 1 भी क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन चाइना क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली अपने आप को सिक्योर कर रहा है। हाउ, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, ऑन वॉर फ्रंट, अलाइंस बना रहा है अपने, बेटा चाइना कर रहा है ना ये सारी चीजें। तो अगर कोई चाइना ऐसा सोचता कि यार चलो देखी जाएगी, जब यूएसए आएगा, जब मुझे मारेगा, जब लड़ाई करेगा, तब मैं बताऊंगा इसको, नो, वो अपने आप को पहले से पक्का कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो पीस के अंदर काम कर रहा है। इसी तरीके से यूएन की हम मिसाल ले लें, यूनाइटेड नेशंस जो है वो पीस प्रोजेक्ट्स करवाता है, ठीक है, पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, पाकिस्तानी भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे सारे के सारे। तो पीस कीपिंग मिशन जो है वो ऐसे नहीं होते कि कहीं तबाही हुई तो यहाँ पे फोर्सेस ऑलरेडी डिप्लॉयड होती हैं और फौरन फौरन क्विक रिएक्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आपकी रिपोर्ट्स में, जैसे WHO हो गया, ये भाई पहले ही आपको इंडिकेटर दे देता है। इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग वाले जो इंडिकेटर्स हैं सारे, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। और तनवीर, सोनिया, इस ऐसे के अंदर आप एक चीज और करते हो, काउंटर आर्ग्यूमेंट दे दो, ठीक है। यानी कि तुम बोलो कि इसका उल्टा, मतलब इसका ऐसा होता भी और ऐसा नहीं भी होता, तुम इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देना शुरू कर दो, या तुम ये प्रूफ कर दो। ऐसी मिसालें जिसमें लोगों ने वेट किया और वेट करने के बाद खून खराबा ज्यादा हो गया, जैसे कश्मीर इशू सॉल्व नहीं हो रहा ना, क्या देखो क्या हालात कर दिए, फेलस्तीन इशू, आप देखें यूएन ने फैसला कुछ और दिया, लेकिन यूएसए ने इराक पे कर दिया हमला, आज इराक की हालत देख लो, राइट। दीज आर, क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं ये सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोर्ट आती है, एब्स्ट्रैक्ट हो, कोई भी ऐसे आएगा, उसका एक ही मैकेनिज्म होता है, राइट। चीजें डिफरेंट होती हैं कि उसके अंदर हमें डालना है कि अपनी बात को प्रूफ कैसे करना है। एंड लास्ट थिंग, मेरे ख्याल से लास्ट के 4 मिनट बचे, ताकि आप जहां से भी पढ़ें, आपको सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि मेरा एग्जामिनर जो है वो 3 चीजों में इंटरेस्ट लेता है, बेटा 3 थिंग्स। सबसे पहले जब उसके सामने कॉपी आती है, वो आपकी आउटलाइन पढ़ेगा, कुछ नहीं पढ़ेगा, तुम्हारी आउटलाइन पढ़ेगा। इफ इट इज गुड, इफ इट इज गुड, तो वो जाके पढ़ेगा इंट्रोडक्शन, राइट। और अगर तुमने फ्लॉलेस इंट्रोडक्शन लिखा है विदाउट ग्रामेटिकल एरर, और तुम्हें टॉपिक समझ में आ चुका है, तो ही विल डायरेक्टली चेक कि क्या इस बच्चे ने कॉन्क्लूजन लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। और इफ तुमने कॉन्क्लूजन लिखा हुआ है, तो बिलीव मी कि 90 to 95% ऑफ द टाइम वो डिसाइड कर लेता है कि इसको 40 देना है, सही है, बिकॉज ग्रामेटिकल एरर नहीं है। 2 मिनट में उसने फैसला ये कर लिया कि तुम पास हो। अब अगर उसने सिर्फ ये देखना है कि तुम्हारा कितना कैची है, कोई तुमने ऐसा टॉपिक अटेम्प्ट किया है जो अभी तक उसने नहीं किया, आई एम श्योर कि जब मेरी बारी थी, जिसमें ब्यूरोक्रेसी, डोल्ड्रम्स, और 2021 के आप ऐसे देखिएगा, तो मुझे नहीं लगता कि जो मेरा वाला ऐसे था ह्यूमन डेवलपमेंट, वो शायद पूरे पाकिस्तान में 10 लोगों ने अटेम्प्ट किया,
राइट, और उसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो निगेट करके उसको पास कर रहे हैं, मैंने निगेट करके पास किया। हालांकि टीचर्स क्या कहते हैं कि आप एग्जामिनर के साथ जाइए, उसको निगेट ना करें। तो मुझे ये लगता है कि एग्जामिनर ने मेरा ऐसे जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि यार ये जो बच्चा प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कर पाया या नहीं। तो एनी हाउ इन तीन चीज के बाद वो शायद एक आधा कोई पैराग्राफ तुम्हारा पढ़ेगा, और उसके बाद नहीं शुरू में नहीं पढ़ते, और उसके बाद वो आपको दे देगा नंबर कि भाई अगर 40 में लेट सपोज 5 ऐड कर दूंगा, चल भाई 45 हो गए इसके, एंड ही इज डन। शुरू में नहीं पढ़ते बॉडी पे, क्योंकि अगर आपकी आउटलाइन ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक है, कॉन्क्लूजन ठीक है, मीन्स आपको टॉपिक समझ में आ गया, आपकी ग्रामर ठीक है, और आपने जो पॉइंट्स दिए वो वैलिड है, तुम्हारी आउटलाइन। मुझे कोई किताब खरीदनी हो ना तनवीर, मुझे किताब खरीदनी है, और मैं मार्केट जाके सबसे पहले उसको क्या देखता हूँ, क्या मैं बीच से पढ़ना शुरू कर देता हूँ उसको? मैं टेबल ऑफ कंटेंट, एंड दिस टेबल ऑफ कंटेंट इज योर आउटलाइन, करेक्ट? तो मैं पहले टेबल ऑफ कंटेंट देखूंगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं बुक का इंट्रोडक्शन देख लूंगा। बस यही एग्जामिनर करता है। होप सो आपको आइडिया मिल गया होगा। टाइम हमारा खत्म हो गया, 40 मिनट की हमारी क्लास हुआ करेगी, ठीक है? तो इसके अंदर ये है कि आपको मटेरियल भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, और इवन चेक्ड ऐसे हैं मेरे पास, जो मैंने अपने टीचर्स को अपने टाइम पे जितने मैंने मॉक्स दिए थे, तो वो सारे कुछ चेक है, सारे सब्जेक्ट के मॉक्स दिए मैं। तो मैं आपको बताता रहूंगा कैसे लेकर चलना है, क्या सारी कुछ करनी है आपने चीजें। और एक बात बस कहूंगा कि अपना मेंटोर एक रखना बस, ठीक है? बहुत सारे बच्चे मेरे पास इस तरह के भी हैं कि सर ये आरिफ साहब का ये है, सर वर्ल्ड टाइम में इस तरह से पढ़ाया जाता है, आप इतना सिंपल करके बताते हैं। मुझे लगता है कि जितना मैंने आपको बताया इतना सिंपल किसी ने नहीं समझाया होगा आपको। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आई गॉट 40 और मेरा ऐसे क्लियर है, और मैंने जिनसे पढ़ा उन्होंने भी मुझे ऐसे ही सिखाया था, राइट? तो भाई अपना अगर रखना है तो एक मेंटोर रखना, 10 लोगों से मत पूछना, 10 लोगों की 10 बातें होती हैं, ठीक है जी? तो होप तो आपको समझ में आया होगा, बाकी कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए, और एनरोलमेंट के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी? कोई रेफरेंस बुक फॉलो करना चाहिए, इसका मैं जवाब आपको व्हाट्सएप पे देता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।